रजिस्ट्रेशन इन वैट ऑब्लिक जीएसटी, यानी कि एग्जिस्टिंग जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम अभी जो इंडिया में चल रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखिए क्या है। एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चर करता है और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है भले, और 1.5 करोड़ तक टैक्स भी एग्जेम्प्ट है मैन्युफैक्चरर के लिए, तो एग्जेम्प्शन की बात नहीं कर रहे। अगर मैन्युफैक्चरर को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और रजिस्ट्रेशन का नाम क्या कहलाएगा, एक्साइज रजिस्ट्रेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल भी कर रहा है और सेल के ऊपर लोकल सेल कर रहा है जिस जगह पे, मान लो अगर हरियाणा में उसका फैक्ट्री और हरियाणा में सेल कर रहा है तो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ उसको स्टेट का सेल वैट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, समझ में आया। उसकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में भी है और महाराष्ट्र में लोकल सेल कर रहा है तो महाराष्ट्र में भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर उस SSC का फैक्ट्री या गोडाउन 29 के 29 स्टेट में है तो 29 के 29 स्टेट में उसको स्टेट वैट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो प्लस स्टेट रजिस्ट्रेशन विद दैट स्टेट गवर्नमेंट वेयर ही हैज प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन लेकिन अगर उसकी फैक्ट्री सिर्फ हरियाणा में है और हरियाणा से ही वो लोकल सेल करता है, हरियाणा से ही वो इंटरस्टेट सेल करता है तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट के साथ स्टेट का ये स्टेट वैट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाकी जहां जहां वो सेल कर रहा है वहां उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, उसको एक सेंट्रल सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग होता है जो हरियाणा गवर्नमेंट ही देगी, CST का रजिस्ट्रेशन। तो एक लोकल सेल का रजिस्ट्रेशन जिसको वैट रजिस्ट्रेशन बोलेंगे और एक CST का रजिस्ट्रेशन जो हरियाणा गवर्नमेंट ही देगी, सेपरेट नंबर इशू होगा दोनों का। और जो बिल में CST नंबर और वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको टिन नंबर बोलते हैं वो भी लिखा होगा और वो सेल करता रहेगा इंटरस्टेट सेल CST लगा लगा के, तो उसको बाकी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है नहीं। उसको करना क्या होगा, CST नंबर होगा और वो हरियाणा से दिल्ली बेच रहा है तो CST लेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। हरियाणा टू महाराष्ट्र बेच रहा है तो CST लगाएगा और महाराष्ट्र से कलेक्ट करेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, समझ में आ गया। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर जो मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा तो उसको एक्साइज रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जिस जगह वो सेल कर रहा है उस जगह उस गवर्नमेंट के पास, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, स्टेट रजिस्ट्रेशन विद दैट स्टेट गवर्नमेंट वेयर ही इज प्लेस ऑफ बिजनेस। और यहां पर लिमिट है 10 लाख, हर एक स्टेट का लिमिट अलग होगा, मान लो लिमिट कितना है 10 लाख। तो अब देखो अपन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगल बगल जितने भी दुकानें हैं वो लोग सेल कहां कर रहे हैं, क्या दिल्ली के बाहर कर रहे हैं? वो तो लोकल बायर आते हैं परचेज करके चले जाते हैं तो वो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाएगा, क्लियर। तो स्टेट रजिस्ट्रेशन विद दैट स्टेट गवर्नमेंट वेयर ही इज प्लेस ऑफ बिजनेस, लिमिट है 10 लाख की है, 90 लाख मैंने सिर्फ लिख दिया है मैन्युफैक्चरर के लिए, जहां पर उसको सिर्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो एक्साइज रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, समझ में आ गया। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और ये सर्विस टैक्स कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन ले लेगा अगर उसका ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है। तो इसको ऑल इंडिया सिंगल रजिस्ट्रेशन चाहिए सर्विस प्रोवाइडर को, ऑल इंडिया सिंगल रजिस्ट्रेशन, और सर्विस पूरे इंडिया में कहीं भी प्रोवाइड करे, सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है और यहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जब वो इंटरस्टेट सेल करेगा तो। वैसे लिमिट 10 लाख की है लेकिन अगर 1 रुपया का भी इंटरस्टेट सेल कर देता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, किसके पास, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जहां पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं इसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। अब जीएसटी में कॉन्सेप्ट देखिए, जीएसटी में कॉन्सेप्ट,
जीएसटी में कॉन्सेप्ट क्या है? बोला जीएसटी में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जीएसटी में कॉन्सेप्ट है सप्लायर का। जीएसटी में कॉन्सेप्ट कौन सा है? सप्लायर। तो एवरी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर और सर्विस प्रोवाइडर इज ए सप्लायर। सप्लायर ऑफ व्हाट? सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज और सप्लायर ऑफ सब बोथ। उसको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है, उसको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। कहां लेना है रजिस्ट्रेशन? जिस स्टेट में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जिस स्टेट में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि सिंगल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट प्लेस फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेगा? जिस स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। लिमिट है 20 लाख और 10 लाख। तो ये जो दो दो रजिस्ट्रेशन की कहानी थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन एक कहानी तो अभी भी है। क्या? कि जिस स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उस हर एक स्टेट से उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के डेट में अगर फैक्ट्री आपकी हरियाणा में है और वहीं से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और कहीं नहीं है आपका ऑफिस, तो आपको कोई चिंता नहीं है। सिर्फ हरियाणा में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ और जब इंटरस्टेट सेल करो तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दो, खत्म। यहां पर सीएसटी लगता था जिसका क्रेडिट नहीं मिल पाता था बायर को, यहां पर आईजीएसटी लगेगा जिसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। समझ में आ गया? आज कॉम्प्लेक्स किसके लिए हो गया? जीएसटी कॉम्प्लेक्स किसके लिए हो गया? सर्विस प्रोवाइडर के लिए। सर्विस प्रोवाइडर पहले सिंगल रजिस्ट्रेशन लेता था, पूरे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देता था। आज सर्विस प्रोवाइडर बोलता मेरा ऑफिस दिल्ली में, अब मैं दिल्ली से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, मैं दिल्ली स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन काम हो गया। लेकिन मैं ऑडिट करने कभी हरियाणा जा रहा हूं, कभी किसी और स्टेट में जा रहा हूं, बैंक ऑडिट आ जाता है उसके ब्रांच में जाके कर रहा हूं, तो उस केस में हो जाता है ही इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम दैट स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, तो उसको रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में भी लेना पड़ेगा। तो बेचारे डरे हुए ये हैं, इनके लिए कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का लाना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो लेके नहीं आई। गवर्नमेंट कहती है रजिस्ट्रेशन में क्या है, खाली बटन ही दबाना, तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन सारा इलेक्ट्रॉनिक है। समझ में आ गया? और यहां भी वही कहानी है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। आपको वैट समझ में आ गया? हाँ हाँ, मान लो मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैं बैंक ऑडिट महाराष्ट्र के बैंक का कर रहा हूं, ब्रांच का, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी, ट्रांसपोर्टर के लिए भी गुड्स का देखना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का, B2B B2C, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड दे रहे हो तो सप्लाई चेंज हो जाएगा, अगर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है, तब प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए उसको इंटर लेवल में, जो आपका 2018 में एग्जाम होगा वो उसमें है नहीं, फाइनल लेवल में जाके है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए।